हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम और एक मजेदार डिश लेकर हाजिर हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटन भुना, बट कोई कोई इसे भुना गोश्त के नाम से भी बुलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मटन भुना के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और वैसे आज हम पैन के बदले प्रेशर कुकर पे कुक करेंगे, तो पहले गैस ऑन करके इसे मीडियम हीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। यहाँ मैंने आशीर्वाद स्वस्ति का घी यूज किया है। इसका खास स्लो कुक प्रोसेस देता है ऐसी महक जो कि खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। जब घी गर्म हो जाए तब हम उसमें एक एक करके जितने भी खड़े मसाले हैं उसे ऐड कर लेंगे। इसे कुछ देर फ्राई करेंगे। जब मसाले से खुशबू आने लगे तब हम उसमें चॉप किया हुआ अनियन एंड ग्रीन चिली को डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। अनियंस को हमें मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट मटन को ऐड करेंगे और उसके साथ कोरिएंडर लीव्स को भी कट करके इसमें डाल देंगे। मटन को अच्छे से पकने देंगे 5 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट बाद इसमें अब सारे पाउडर मसाले को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। कुछ देर बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी ऐड करके मटन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये मटन भुना है तो हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब मसाले अच्छे से भून जाए तब हम उसमें ब्लैक पेपर पाउडर और मात्रा अनुसार पानी को मिला लेंगे और कुछ देर और अच्छे से भूनने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। अब इसे पकने देंगे 5 से 4 मिनट के लिए 4 विजल आने तक। 4 विजल आने के बाद अगर पानी की मात्रा ज़्यादा लगे तो आप इसे हाई हीट पे कुछ देर और फ्राई कर लीजिए। जब ये थोड़ा ग्रेवी काइंड ऑफ टेक्सचर में आ जाए तो बस गैस ऑफ कर दीजिए। मटन भुना बन के रेडी है। अब इसे मटन भुना बोलो या भुना गोश्त, मैं चाहती हूँ इसे एंजॉय करने। फिर मिलेंगे हम एक न्यू रेसिपी के साथ। फैब्रिक होगी।